मूवी के निर्माता रमेश तौरानी ने सलमान खान को इस फिल्म में साइन करने के साथ संकेत दिए थे कि फिल्म में एक युवा हीरो को भी लिया जाएगा। आखिरकार तलाश खत्म हुई और सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म में लिए जाने की चर्चा है। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों रेस 3 से जुड़े लोगों ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से मुलाकात की। फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें सुनाई गई और सिद्धार्थ फिल्म में अभिनय करने के लिए मान गए। सिद्धार्थ को फाइनल करने के पहले कुछ और युवा कलाकारों के नाम पर भी विचार किया गया, लेकिन अ जेंटलमैन में सिद्धार्थ ने शानदार एक्शन सीक्वेंस किए हैं, इसीलिए उन्हें रेस 3 के लिए चुन लिया गया। रेस 3 एक स्टाइलिश फिल्म होगी जिसमें कई हैरतअंगेज स्टंट सीन भी होंगे। फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि सिद्धार्थ एक्शन सीन करने में माहिर है, लिहाजा उन्हें चुना गया है। सलमान खान और जैकलीन के साथ अब फिल्म से सिद्धार्थ भी जुड़ गए हैं। फिल्म में दो हीरोइनों को और जोड़ा जा सकता है। गौरतलब है कि इस फिल्म में सलमान का किरदार ग्रे शेड्स लिए हुए है और इस तरह का रोल सलमान पहली बार कर रहे हैं।